हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चांस ऑफ मैन का एपिसोड 16। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो 16वां एपिसोड, टेंजी का दोनों हाथ अलग हो जाता है और वो डेविल मैन कहता है कि तुम अब मुझसे और नहीं लड़ सकते, तुम अब मुझसे हार मान लो टेंजी। और वो कहता है कि मरने से पहले मेरे दादा से भी माफ़ी मांग लो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। टेंजी कहता है कि मेरे सर में अभी भी चांसो है और मैं तुमसे फाइट कर सकता हूं। तो डेविल मैन कहता है कि तुम पागल हो गए हो। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़कर आते हैं और हमला करते हैं। डेविल मैन कहता है कि क्या मेरे दादा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि कब हार मान लेना चाहिए, तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। डेंजी कहता है कि तुमने जो मुझ पर वार किया है वो सीधे मेरे सर पर लगा है, तुमने बहुत सटीक निशाना लगाया था, इसके लिए शुक्रिया। तभी दिखाया जाता है कि डेविल मैन के शरीर के दो टुकड़े हो गए, उसका पूरा शरीर दो भागों में जमीन पर बिखर जाता है। डेंजी कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे दादा ने ये नहीं सिखाया कि कभी एक जानवर को शिकारी का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिकारी शिकार करने में थोड़ा भी चूक नहीं करता। उसी समय दिखाया जाता है कि डेंजी ने इस बार अपने पैर से चांसो को निकाला और डेविल मैन के दो टुकड़े कर उसे खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कि डेंजी एक आदमी को ट्रेन से बांध कर रखे हुए होता है और डेंजी कहता है कि क्या तुम जाग गए, क्या तुम भी मेरे जैसे हो, लगता तो है। डेंजी कहता है कि जब मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हारे बाँह से जोड़ा तो तुम डेविल से ह्यूमन में बदल गए। तो कटाना डेविल जोर से चिल्लाता है और डेंजी को कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर डेंजी बोलता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती। डेंजी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता मगर क्यों किया तुमने ऐसा, तुमने हिमेनो जैसी सुंदर लड़की को मारकर एक अप्सरा इस दुनिया से कम कर दी और अब तुम पूरी जिंदगी जेल में गुजारोगे और तुम्हें माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा, ये मेरे मुंह का स्वाद खराब करने जैसा है। खटाना डेविल कहता है कि इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते डेंजी, बस तुम एक जनता की सुरक्षा के लिए पालतू कुत्ते जैसे हो। डेंजी तब अचानक से कहता है कि मैं एक टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा हूँ। तभी हायाकावा वहाँ पहुँचता है और डेंजी से पूछता है कैसा टूर्नामेंट, तो डेंजी कहता है बहुत सही समय पर आए तुम। इतने में हायाकावा की नज़र खटाना डेविल पर पड़ती है और वो अपने वॉकी टॉकी से हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करता है। हायाकावा कहता है मैंने टारगेट को खोज लिया है, वो क्लॉक टावर के सामने वाले ट्रेन ट्रैक पर बंधा हुआ है, जल्दी से बैकअप भेजो। डेंजी फिर हायाकावा से पूछता है कि क्या तुम मेरे टूर्नामेंट में पार्ट लोगे, तब हायाकावा बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो डेंजी कहता है कि इस आदमी ने हिमेनो को मारा था तो इसे भी फोड़ना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ इसके कंचे फोड़ने की, सो मैंने कंचे फोड़ने वाली टूर्नामेंट रखी है, तो जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम दोनों इसके कंचों पर लात मारेंगे और जिसके मारने से ये ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा वो विनर होगा। ये कहते हुए डेंजी कटाना डेविल को देख कर मुस्कुराता है, तो कटाना डेविल उसे पागल कहता है और हायाकावा ये जानकर कि इसी ने हिमेनो को मारा है वो उदास हो जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। डेंजी हायाकावा को फिर से पूछता है क्या तुम नहीं खेलना चाहते, तो हायाकावा कहता है कि हमारा काम इसे गिरफ्तार करना है, इसे सजा देना नहीं, और ये करने से हिमेनो को खुशी नहीं मिलेगी। और हायाकावा अपने पॉकेट से हिमेनो का सीक्रेट निकालता है जिसमें ईजी रिवेंज लिखा हुआ होता है। तो डेंजी कहता है कि जो भी हो मगर तुम बताओ, तो हायाकावा अपने स्लीव्स ऊपर करते हुए कहता है कि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा, तो डेंजी हंसते हुए कहता है कि इसकी खानदानी ज्वेलरी दाव पर है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑपरेशन करते हुए कटाना डेविल के लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एंजल डेविल भी वहीं आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देख रही होती है। और वापस डेंजी की सीन में आते हैं हम और देखते हैं डेंजी और हायाकावा मिलकर कटाना डेविल को मजे चखा रहे होते हैं और कटाना डेविल जोर से चिल्ला रहा होता है और हायाकावा लात मारते हुए कहता है कि हिमेनो क्या तुम्हें इसकी चीख ऊपर तक सुनाई दे रही है, शायद इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माकिमा अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रही होती है और बताती है वो आतंकी हमला हमारे एक पुराने डेविल हंटर अकाने सावातारी यानी कि वो छोटी सी बच्ची के द्वारा भड़काया गया था।
उसने गन डिविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके याकुजा गैंग को गन सप्लाई किए थे। गैंग की माने तो सावातारी ने इस सब के बदले चांस और डेविल का दिल मांगा था। इस पर सीनियर माकिमा से पूछता है, मगर सावातारी को चांस और डेविल का दिल क्यों चाहिए था? तो माकिमा कहती है कि इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब पता लगा पाते, सावातारी ने खुद को मार डाला। सीनियर पूछता है कि उसने सुसाइड क्यों किया? तो माकिमा कहती है कि शायद ये उसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए खुद को खत्म कर डाला। माकिमा कहती है कि हमें इस ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग के अंदर से गन डिविल के 1.4 किलो के मांस के टुकड़े मिले और हमने जब इसको पब्लिक सेफ्टी में रखे हुए 5 किलो मांस से मिलाया तो ये टुकड़े आखिरकार खुद से ही गन डिविल के तरफ बढ़ने लगे। इस पर सीनियर कहता है कि लगता है वक्त आ गया है, किस तरफ बढ़ रहे हैं ये मांस के टुकड़े। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।